નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં 6ઠું પ્રકરણ છે માલવજી ફોજદાર, બરાબર છે, તેમાં આપણે સાધે પોથીના પ્રશ્નો જોશું. તો એમાં પહેલું છે, નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર દે ઓર દિયે ગયે એક વિકલ્પ મેં સે કિસી એક વિકલ્પ કો ચુનકર આપકો યહાં પે લિખના હૈ. ઠીક હૈ, તો પહેલા હૈ શિવાજી કે કમરે મેં કિસકા ચિત્ર થા, તો કે ભવાની માં કા. उसके बाद मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे, 2 वर्ष हुए थे. उसमें आता है ए, सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको ए बी सी या डी जो सही उत्तर हो उसका अक्षर लिखना है. ए हो तो ए बी सी या डी. ठीक है, ताना जी ने अपने आपको शिवाजी का क्या बताया, तो के डी दास. उसके बाद ताना जी कौन थे, बी सेना नायक. उसके बाद आता है शिवाजी के नाम से कौन कांपता था, तो शिवाजी के नाम से कौन कांपता था, पूरी मुगल सेना. ए कौन कांपता था, पूरी मुगल सेना. उसके बाद आता है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, तो पहली है उसमें हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया. दुभर यानी कि न मिल पाना. ठीक है, तो उसे कहते हैं दुभर हो गया. फिर दूसरा आता है कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा. तीसरा है मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. और चौथा है ऐसे ही बालक माता की लाज रखते हैं. पांचवा घातक के साथ इतनी दया धन्य है. छठा मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. सातवीं जो प्रश्न है खाली जगह का, वो है स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. और आठवीं खाली जगह है अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. तो ये थी हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति. उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. तो उसमें पहला है मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता. नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए, उत्तर दिए गए हैं अ ब और क, उसमें से क आता है पेट की भूख सहन नहीं कर सकता. उसके बाद मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि ताना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसलिए वो उसका वध नहीं कर सके. मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था. मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है. तो ये थे हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न थे, उसे पूरे करने थे, वो हमने पूरे कर दिए. अब चौथा प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें लिखने हैं. तो मालव जी कौन था, तो मालव जी शिवाजी की सेना के सिपाही का पुत्र था. मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था, मालव जी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था. मालव जी को धन का लालच किसने दिया था, मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था. शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की, अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की थी और उसे अपने घर पे भेज दिया था, ये तो आपको पता ही है. शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना, क्योंकि तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई थी. शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है, शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है. मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी, तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे, वो बहुत प्रभावशाली थे इसलिए उस पे वो प्रभावित हो गए थे. तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया, घातक के प्रति दया दिखाने की शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया. मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया, मालव जी ने अपनी माँ को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई क्योंकि वो घर पे उसकी माँ के दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन अपनी माँ को ये अपने मृत्युदंड के बारे में नहीं बता पाया.
अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उसने मालव जी को जो मृत्युदंड दिया था उससे वह मुक्त करना चाहते थे। उसकी परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। वो बालक की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो जो प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में भी लिखाऊंगी। तब तक के लिए जो दो पेज में आपने मैंने आपको करवाए हैं वो आप अपनी स्वाध्याय पोथी में पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते।